नमस्कार साथियों, आज मैं आपको भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत सुनाने जा रहा हूँ। 1956 में प्रकाशित इस कहानी में लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में समाज के संवेदना शून्य हो चुके लोगों पर कुठाराघात करने का प्रयास किया है। इस कहानी को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भीष्म साहनी जी की एक और चर्चित कहानी अमृतसर आ गया भी मैंने इस माहिंदी चैनल पर सुनाई है। इस कहानी के बाद आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए और मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त को हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते-बजते सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल धर्म पत्नी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का यहाँ आना जाना फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया है। माँ से कहें कि जल्दी से खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चले जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इसके पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आ गया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो? साथ ही बरामदा है, लोग यहाँ खाना खाएंगे तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ से कह दूंगा कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहें, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-12 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली वह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ चौकी पर बैठी, दुपट्टे से मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारियां होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब आज घर आ रहा था, सारा काम सुबहते से चल जाए। माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, और माँ हम लोग बाहर बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना और जब हम लोग यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस ही नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो 10-8 आदमी होंगे, देशी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठ के देखो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, और नहीं वह खड़ाऊं पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही,
कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथों में था। खूंटियाँ कमरे में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ बिछें, किस रंग के पर्दे लाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज के हों। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ जरा देखूँ तो। और माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में जाकर कपड़े पहनने लगी। यह माँ का झमेला यूं ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो कोई कहे भी, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आँखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊँ बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा, तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस, इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक, जो जेवर बिका तो कुछ बन भी आया हूँ, निरा लंगूड़ा तो नहीं लौटा, जितना दिया था उसे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ चल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो क्या लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे, अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत देते हुए गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठी रहना, अगर साहब इधर से आके निकलें और कुछ पूछें तो ठीक तरह से जवाब जरूर देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7:00 माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी, अंग्रेजी को तो दूर से देखकर वह घबरा उठती हैं, यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे का हुक्म कैसे टाल सकती थी, चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी थी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को व्हिस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे यहाँ उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत, कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हों। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों की आखिरी घूट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन हो गया। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और माँ के मुख से लगातार खर्राटों की आवाज़ें आ रही थीं। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते और फिर एक झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक गया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे, जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी के बाहर धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था, चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे।
माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर, और माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना, झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। सामनाथ इस पर और भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ की ओर बढ़ाया। माँ और भी घबरा उठी, माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बाया हाथ ही साहब की ओर बढ़ा दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दाया हाथ मिलाया जाता है, दाया हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बाया हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ, कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ ने धीरे से सकुचाते हुए कहा, हाउ डू डू। इस पर फिर कहकहा उठा, वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी, लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अभी भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में ही रही हैं, इसलिए आपसे थोड़ा लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखते रहे। माँ, साहब कहते हैं कि कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने गीत याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है, साहब ने कितना रीझ कर कहा है, नहीं गाओगी तो बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पो ही सुना दो, दो पत्थर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे की ओर देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ, और इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी, हर यानी माएँ, हर यानी बहने, हर याते भागी भरिया है। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गईं। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियाँ पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी से झूम उठे, बोले, वो बहुत कुछ साहब, मैं आपको उन चीजों का एक सेट भिजवाऊंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीजें नहीं मांगता, पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और पुरानी फुलकारी उठाकर ले आई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट गए थे और कपड़ा फटने फटने को हो गया था। साहब की रुचि देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा। माँ बना देंगी, क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद आई, इन्हें ऐसे ही एक फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ बेटा, बूढ़ी आँखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मुई की ओर बढ़े। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए।
जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी नज़रें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठीं और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की ही देरी थी कि आँखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते थे, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर में भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाजें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितने देर से अपने को कोसे जा रही थी। उन्हें नींद क्यों आ गई? क्यों वह उन्हें लगी? क्या बेटे ने अभी तक उन्हें क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को अपने आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग जमा दिया। साहब तुमसे बहुत खुश हुए। क्या कहूँ, ओ मम्मी मम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों से आंसू बह आए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार क्यों नहीं भेज देते? मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर से सहसा हट गईं। क्या कहा माँ, यह क्या नया राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुमने मुझे बदनाम करने का सोच लिया है ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बचे हैं भगवान का नाम लूंगी। मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बना लो, बनी बनाई तो मिलती हैं। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश होकर गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं खुद देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे कहीं बड़ी नौकरी मिल जाएगी, मैं बड़ा अफसर बन जाऊँगा। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुख खिलने लगा, आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा? तरक्की यूं ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ होगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी हैं। तुम्हें बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है। यदि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपने पूरी कहानी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। मैंने इस चैनल पर UGC नेट के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी की अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ भी सुनाई हैं। उन्हें सुनने के लिए दाईं वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और यदि आप दिनकर, निराला, महादेवी, अज्ञेय आदि महाकवियों की चुनिंदा कविताएं सुनना चाहते हैं तो बाईं वाली प्लेलिस्ट पर जाएं। और यदि आपको मेरे वीडियोस काम के लगें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।